कुकुस परिसर के लगभग 10 किलोमीटर के अंतर पर स्थित विविध घाटों पर अवैध रेती का उत्खनन होने का आरोप नागरिकों ने लगाया है। घुघुस परिसर से लगभग 10 किलोमीटर के अंतर पर विविध घाटों से अवैध रेती उत्खनन का आरोप नकोड़ा ग्राम पंचायत के उपसरपंच मोहम्मद हनीफ के साथ अन्य नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन की वजह से सरकार के लाखों रुपए का राजस्व डूब रहा है तथा इससे संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से वर्धा नदी, पैनगंगा के घुघुस घाट, घोड़ा घाट, चिचोली घाट, बेलसनी घाट, नायगांव घाट, नकोड़ा घाट, भरोसा घाट, वड़ा घाट नालों से अवैध रेती का उत्खनन का बोलबाला चल रहा है। खासकर वेकोली की मैगजीन के आसपास के खुली स्थानों में रेती के टीलों के प्रमाण ज्यादा है। इसकी सूचनाएं संबंधित अधिकारियों को देने की चर्चाएं भी परिसर में चल रही है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वही संबंध में हमारे प्रतिनिधि को नकोड़ा ग्राम पंचायत के उप सरपंच मोहम्मद हनीफ ने क्या कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। नकोड़ा रेती घाट से अवैध रेती का उत्पादन बहुत चालू है। मैंने 2015 से लगे लग निवेदन दे रहा हूँ अधिकारियों को, तहसीलदार को दिया, पटवारी को दिया, उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में दिया, SDM को दिया, कलेक्टर को भेजा। आज नकोड़ा रेती घाट के चक्कर से इतनी दिक्कत हो रही, नकोड़ा फिल्टर प्लांट्स के हमारा जो पानी की टंकी है वहाँ जाने के लिए रास्ता पूरा ख़राब हो गया। वहाँ बीच में हम वाल लगाए थे, वाल तोड़ के पानी लेके जा रहे हैं। हाईवा रोज का नहीं तो 20-25 हाईवा JCB से लोडिंग हो रहा, WCL की जमीन में स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ से लोडिंग कर रहे हैं, नदी में से अवैध रेती उत्पादन हो रहा। आज वो रेती के चक्कर से पानी की जो झार है वो कम हो जाएंगी। अब पिछले महीने में हमारा इतना दुकाले में पानी की बहुत दिक्कत हो गई ये अवैध रेती के चक्कर से। हमने बारों बार हमने अप्लीकेशन दे निवेदन देने के बाद भी ये अधिकारी देख के नहीं देखे ना रह रहे। आज भी कल मैं रात में जाके आया, कल परसों भी जाके आया, मैंने हाईवे देख रहा, हाईवे से लोडिंग करके लेके जा रही है अवैध रेती। नकोड़ा घाट में से इतनी अवैध रेती चल रही, गांव का रोड ख़राब हो रहा, पानी टंकी जाने का रास्ता ख़राब हो रहे, बार बार हमने अप्लीकेशन कर रहे और इस पर कड़क कार्रवाई नहीं किए तो हमने चक्का आंदोलन करेंगे लास्ट में गाँव के लिए। गाँव के पानी चाहिए ना गाँव को। आज रेती अवैध होने से, अवैध निकालने से यहाँ अपने पानी की टंकी हो जाएंगी आने वाले दिन में। अभी हमको पानी नहीं पूर रहा, ये अवैध बंद होना चाहिए। CTU के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि प्रणय कुमार बड्डी की रिपोर्ट।